एक जंगल में एक बड़ा दरख्त आया। उस दरख्त पे बहुत सारे कबूतर रहते आए। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। इतने बहुत सारे कबूतर नु देख के वो सोचने लगा, वाह इधर ते बहुत सारे कबूतर हैं, मैं इधर जाल बिछा के उसते दाने पा के इन सब कबूतरों में पकड़ लेसा। दरख्त ते बैठे हुए कबूतरों चो एक दी नजर तले जमीन ते पए हुए दाने ते पई। उसने सब कबूतरों नु किया, देखो दरख्त ते तले कितने बहुत सारे दाने पए हुए हैं, आओ सब मिलके खाने हैं। सब कबूतर दाने खाने वास्ते दरख्त से तले जमीन ते आ गए। हाय असी सारे ते चारे च फंस गया, हूं असी के करियां। सभी कबूतर शिकारी ते डर से घबराने लगे। तब कबूतरों दे राजा ने किया, घबराओ नहीं, मैं कोई हल सोचना वा। कबूतरों दा राजा कोई हल सोचने लगा ते वद बोला, क्यों ना असी सब मिलके आपी अपनी ताकत लगाइए, इस जाल नु लेके उड़ जाइए। कोशिश करो शिकारी आने वाला हो सी। सभी कबूतरों ने सारी ताकत लगा के उड़ने की कोशिश की थी तो इस तरह जाल नु लेके उड़ गए। शिकारी देख रही रह गया, हाय मेरा जाल, हाय मेरा जाल, कबूतर मेरा जाल लेके उड़ गए। कुछ दूर ही खेत कबूतरों दे राजे दा दोस्त चूहा रहंदा आया। कबूतर उस खेत च उतर गए ते चूहे ने अपने तेज दंदा नाल जाल नू कुतर लेता। राजा कबूतर ने चूहे दा शुक्रिया अदा किया, प्यारे बच्चों देखा तुहाने कि इत्तेफाक च कितनी बरकत होंदी है, मिलके काम करने नाल कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, ते हर मुश्किल आसान हो जाती है।